दुनिया की कोई भी बड़ी आर्थिक ताकत जब मजबूत होती है तो दुनिया चिंता में पड़ जाती है, लेकिन जब वो आर्थिक शक्ति डूबती है तो टेंशन डबल हो जाती है। चीन के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। कोरोना के बाद से चीन का सितारा बुझता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया की फैक्ट्री रहे चीन में उत्पादन गतिविधियां घट रही हैं, कम हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। उस पर रियल एस्टेट संकट ने तो मानो चीन की कमर ही तोड़ दी है। चीन के बड़े बड़े रईस पैसों की तंगी झेल रहे हैं। जब अमीरों पर तंगी छाती है तो इसका सबसे बुरा असर लग्जरी सामानों की बिक्री पर पड़ता है। आखिर वही तो है इनके खरीदार। चीन के रईसों की इसी कंजूसी ने इस बार यूरोप को चिंता में डाल दिया है। जी हाँ, इस बार चीन ने ग्लोबल ब्रांड को परेशानी में डाल दिया है। चीन में लोग ग्लोबल ब्रांड से दूरी बना रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल ब्रांड्स की सेल में भारी कमी आई है। चलिए जानते हैं आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, साथ ही चीन के इस कदम से भारत पर क्या असर होगा। तो ये तो आपको पता ही है कि चीन के हालात जो है वो काफी समय से खराब चल रहे हैं, जिसकी वजह से चीन के लोग इस टाइम कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में लोग अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं और पैसा खर्च करने के बजाय बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। इसका सीधा असर दुनिया के बड़े और लग्जरी ब्रांड्स पर पड़ रहा है। ब्रांड्स के पसीने छूट रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कंपनी LVMH का कहना है कि पिछले 3 महीने में चीन ने उसकी सेल में 14% की गिरावट आई है, जबकि पहली तिमाही में ये गिरावट 6% की थी। इसके अलावा कई बड़ी कंपनी और भी हैं जो इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सिर्फ लग्जरी कार ही नहीं, ब्रिटेन के फैशन ब्रांड बर्बेरी का कहना है कि चीन में उसकी बिक्री 1 साल पहले की तुलना में 20% गिरी है। इसी तरह ब्लैंक पेन, लॉन्जिनीज और ओमेगा ब्रांड की घड़ियां बनाने वाली स्विस कंपनी स्वॉच ग्रुप का कहना है कि इस तरह साल के पहले 6 महीने में चीन उसकी बिक्री 14.4% गिरी है, सिर्फ चीन की वजह से। चीन के ऐसे ही हालात देखकर साफ पता चलता है कि चीन की इकोनॉमी अब तक कोरोना के झटकों से पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। वहीं चीन की सरकार ने ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड्स की नकेल कस ली है। लग्जरी गुड्स का ऑनलाइन परफॉर्मेंस करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स को सेंसर कर दिया गया है। चीन की सरकारी एजेंसी का कहना है कि अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। आपका क्या कहना है हमें बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का YouTube चैनल।